अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त सी यूनिक सी एक स्पेशल सी रेसिपी जो कि बिना गैस जलाए, बिना ओवन के, बिना बेकिंग, कोई अंडा नहीं, कोई ख़र्चा भी नहीं, तो इसे जो है बिल्कुल फ्री में एक तरह से समझ सकते हैं आप, मैं केक बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने ब्रेड को इस तरह से इसके किनारे कट कर लिए हैं, जितना मोटा आपको केक बनाना उस हिसाब से पीस लीजिएगा। मैंने 12 पीस लिए हैं, 3 लेयर लगाएंगे, इसी हिसाब से मैंने काटा। अगर 4 लेयर लगाना हो तो 4 पीस और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये नॉन डेयरी व्हिप क्रीम ली है, ये मीठी होती है, इसमें जो है शुगर नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इसको मैंने एक कटोरी लिया था और इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया इस तरह से। तो इसे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसे टाइम लगता है, और आप मैंने व्हिप कर रखी थी पहले से, और इसको रखने के वेप करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। बॉल में मैंने ले लेने के बाद में 1 कप इसमें पानी डालेंगे, इसका शुगर सिरप बनाएंगे और इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मोटा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 चम्मच इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से इस तरह से घोल लूँगी। अच्छा, अगर पिसी चीनी ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल कर इसका जो है पीस लीजिए, बस वही वाली चीनी है। तो कोई थाली ले लीजिए, कोई प्लेट लीजिए, मैं ऐसे क्या करी, थोड़ा सा जो है इसमें से क्रीम लेकर इसके ऊपर लगाऊंगी ब्रेड के पीस, ताकि ये एक जगह रुके रहे इस तरह से। इस तरह से किया। अब इस पर क्या करना है, हमें शुगर सिरप जो मैंने तैयार किया है इसे डालेंगे। अच्छा, मैंने इसका पानी थोड़ा सा गुनगुना रखा था, इसलिए गुनगुना रखा था कि मेरी चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और जो थोड़ी सी गुनगुनी होगी ना तो हमारी ये सॉफ्ट पीस हो जाएंगे। तो बस बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है सिरप इस तरह से हमें डाल लेना है, ताकि जैसे बाज़ार से आप केक लाते हैं ना एकदम सॉफ्ट काटते निकलता है, इसी तरह हमारी ये ब्रेड की पीस भी सॉफ्ट बिल्कुल हो जाए। तो बस मैंने इसको जो है बस अब इसमें डालेंगे भर भर की क्रीम। अच्छा, क्रीम जो है अच्छे से लगाइएगा, ताकि हमारी जो है केक जो है बिल्कुल मार्केट ही जैसा केक लगे। इसको हम अच्छे से सब तरफ से फैला लेते हैं। अच्छे से मैंने जो है एक लेयरिंग लगा ली है, मैं दूसरी भी इसी तरह से इसके ऊपर रख देती हूँ। इसी तरह से 3 लेयरिंग या 4 लेयरिंग का भी बना सकते हैं आप। इस तरह से अच्छे से असेंबल कीजिएगा, और उसके बाद फिर मैंने जो सिरप बनाया इसे इस पर डालते रहेंगे सॉफ्ट करने के लिए। अब ये लास्ट लेयर भी लगा देते हैं इसी तरह से। तीसरी लेयर भी लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे भर भर कर क्रीम। नीचे तो थोड़ी कम लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर अच्छे से कोट करने के लिए लगाइएगा। तो इसे अच्छे से फैला लेते हैं। तो एवन हमें जो है सब तरफ से इसको बराबर कर लेना है, और इसके बाद हमें लेनी है डेयरी मिल्क, 10 रुपये वाली ले लेंगे, ये काफ़ी है। इसे मैंने क्या करना है, इसको शेविंग करनी, मैंने इसे निकाल लिया है और इसको इसी पर इस तरह से पूरे, ये देखिए, इस तरह से इसको सजा देंगे। तो जो बची हुई क्रीम है वह मैंने इसमें पैकिंग बैग में भर लिया है, और इसके बनाएंगे साइडों पे अच्छे से बढ़िया से फूल इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और इजी होते हैं बनाना, कोई मेहनत नहीं है। अब ये जो सारी डिज़ाइंस वाले फूल बनाए सब पे रख देंगे एक एक चेरी। आप कोई भी तरह के फूल बना सकते हैं, जिस तरह की भी नोज़ल आपके पास हो उस तरह से बना सकते हैं और अपनी कलाकारियाँ दिखा सकते हैं इसी तरह से। बस इस पर सब पे चेरी रख देंगे, आप कोई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। इस तरह से बनाना बहुत आसान है, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा टेस्टी केक घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना देखने में लुकिंग अच्छी लग रही है, और आप फूल किसी तरह के भी बना सकते हैं, और इसके ऊपर से फिर आपके कोई चॉकलेट वगैरह इसकी शेविंग कर सकते हैं। तो केक बनाने का मेरा तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली इसी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।